मासूम शफा है और मैं कराची फाउंडेशन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान हौसलमंद नेटवर्क खवातीन नेटवर्क की जानिब से 3 दिन का जो एंटरप्रेन्योरशिप सेशन था जिसमें डिफरेंट आइडियाज़ की पिचिंग हो रही थी और हमें और मेरी टीम ने अपना आइडिया पिच किया था टेक बर्स सॉल्यूशंस के नाम से एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट सेकंड पोजीशन। हमारा आइडिया ये है कि हम वुमेन को एम्पावर करना चाहते हैं डिजिटली बाई टीचिंग देम डिफरेंट स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग सेशंस और वो खवातीन जिनके पास हार्ड स्किल्स हैं जो घर में मौजूद हैं तो उनको हम एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ पे वो अपना प्रोडक्ट जो है ना हमें कोई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ पे अपना जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और इससे वो अपने आप को और अपनी फैमिली को इंडिपेंडेंट बनाएंगी। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू पाकिस्तान हौसलमंद खवातीन जिन्होंने इस तरह का सेशन प्रोवाइड किया हमें एंड स्पेशल थैंक्स टू KIU जिसकी वजह से जिसकी कोलैबोरेशन की वजह से हम इस इनेबल हुए हैं कि हम एक आइडिया को हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच। ये जो 3 रोज से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो कराकरम यूनिवर्सिटी है इसमें जो 3 रोज़ा वर्कशॉप मुनक़द की गई है इसका बुनियादी मकसद ख़वातीन को कारोबार की तरफ राग़िब करना उनको आइडियाज़ देना और जदीद मार्केट के मुताबिक उनको अवेयर करना लाइक जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग है और हाउ टू अपने आप को किस तरह आपने नई दुनिया के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करना है और मार्केट को एक्सप्लोर करना है। ये प्रोग्राम पाकिस्तानी हौसलमंद ख़वातीन की जानिब से किया गया और इसकी जो हमारे साथ जो कोलैबोरेशन पार्टनर थे वो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन थे और यूनिवर्सिटी ऑफ कराकरम ने जो इसमें हमें फैसिलिटेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चियां जब अपने डिफरेंट आइडियाज़ के साथ आई ट्रेनिंग के बाद तो उसमें डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ में से पहली 3 पोजीशंस को कैश प्राइज दिए गए इनामात दिए गए और उसके अलावा जो KIU का जो सेंटर है उसके अंदर बाकायदा इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर ऐलान किया गया कि इन फ्यूचर भी इन बच्चियों को वहाँ पर इंडक्ट किया जाएगा और जो इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है इसका भरपूर फ़ायदा उठाया जाएगा। इस इलाके के अंदर सोशल रिफॉर्म लेके आए इकोनॉमिक अपब्रिंगिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर पहला सीना पहला सीढ़ी हम देखें तलाश करें तो वो खातून है। तो आपने हमेशा अपने हौसलों के अंदर ये चीज़ जरूर शामिल रखनी है कि आप कुछ नहीं कर पाती। हाँ हमारा थोड़ा सा कंजर्वेटिव एनवायरमेंट जो हमने खुद क्रिएट किया है अदरवाइज किसी खत्ते की इसी वादी की एक खातून जो है इस खत्ते को रूल कर चुकी हैं इस खत्ते में सोशल रिफॉर्म लेके आए हैं लोग इस खत्ते को इस खत्ते की बेहतरी का पहला जीना पहला सीढ़ी जो है वो एक खातून है। इस्लामी किरदार के कवायद और जवाबित के मुताबिक रखते हुए इस्लाम एक आफाकी मजहब है हम हर चीज़ के ऊपर अगर तनकीदी निगाह दौड़ाएंगे तो शायद प्रोग्रेशन जो है वो रुक जाएंगे। हमने उस तनकीद के अंदर से अपनी इस्लाह भी ढूंढनी है हमने उस तनकीद के अंदर से अपना रास्ता भी बनाना है कि मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर मेरी हमने पर्सनल कैपेसिटी के अंदर जो कंट्रीब्यूट कर सका इस इनिशिएटिव को इस आइडिया को आगे लेके जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजरा बीबी है। पाकिस्तान हौसलमंद ख़वातीन के ज़ेर एहतमाम 3 दिन की हमारी ट्रेनिंग हुई जिसमें हमने अपना एक बिज़नेस आइडिया ग्लोबल टूरिज्म मैनेजमेंट फॉर वुमेन हमने पेश किया। इसके मुताबिक हमें एक रोड मैप मिला एक डायरेक्शन मिली जिस पर हम मुस्तकबिल में काम कर सकते हैं। शुक्रिया पाकिस्तान हौसलमंद ख़वातीन और ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन। बुनियादी तौर पर आप करना क्या चाहती हैं इस आइडिया क्या है? बुनियादी तौर पर हम सब जानते हैं कि सरकारी नौकरियां या गवर्नमेंट जॉब्स हर किसी को नहीं मिलती तो हम मुस्तकबिल में भी इसी आइडिया के ऊपर काम करते हुए वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पर काम करना चाहते हैं ताकि और ख़वातीन के लिए रोज़गार के मौके मुहैया हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में ये जो इवेंट हमने किया है ये बेसिकली 4 डेज एक्टिविटी थी जिसमें 100 बच्चियों को हमने टारगेट करना था। 100 बच्चियों को एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ट्रेनिंग हमने देनी थी कि किस तरीके से स्टार्टअप करें अपना बिज़नेस जो है और न सिर्फ ये कि वो खुद बिज़नेस अपना करें बल्कि अपने साथ दीगर जो बच्चियां हैं उनको शामिल करके अपना बिज़नेस जो है वो उसको स्टार्ट करें। तो ये इस आइडिया के साथ हमने यूनिवर्सिटी में अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो की हैं और हमारे जो डोनर है वो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन जो है डायरेक्ट एड प्रोग्राम के तहत हमने उनकी फंडिंग थी और उसके अंडर हमने काम किया और मैं ये समझती हूँ कि
हमने मतलब इस एक्टिविटी को जिस तरीके से किया है उसकी एक बुनियाद बनी है कि आगे जाके ये जो 12 हमारे ग्रुप्स थे जिसमें 120 बच्चियां थी, टारगेट हमारा 100 का था लेकिन हमने 120 बच्चियां जो हैं उनको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया और 500 बच्चियां जो हैं उन्होंने इस पर अप्लाई किया था और यूनिवर्सिटी ने बाकायदा तौर पे अपने स्टूडेंट्स का इंटरव्यू किया और उनमें से फिर 100 बच्चियों की सिलेक्शन हुई। फिर जो वेटिंग पे थी 20 मज़ीद बच्चियाँ जो हैं वो शामिल की गई और टोटल 120 बच्चियों को जो है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ट्रेनिंग दी गई है और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ उनके साथ की गई, जिसका नतीजा ये निकला है कि ट्रिम जो हमारा टेक्निकल पार्टनर है, आईटी पार्टनर, उन्होंने बाकायदा तौर पे यहाँ पे वेबसाइट जो है बच्चों के साथ मिल के बनाई है और ये जो वेबसाइट है ये अब एसेट है इंटरनेशनल करिकुलम यूनिवर्सिटी का और इस पे ये जो बच्चियां हैं जितने भी इनके आइडियाज़ हैं, जितने स्टार्टअप्स हैं वो अपलोड करेंगी और पिच करेंगी और साथ ही साथ में यूनिवर्सिटी ने जो है इनको मतलब जो सबसे बड़ी सपोर्ट ये किया कि ये जो 12 आइडियाज़ हैं इनको इनक्यूबेशन सेंटर जो है उसके थ्रू इनको आगे बाकायदा तौर पे 3 माह के लिए इन बच्चों को जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी इनके अपने आइडियाज़ के साथ और बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए इनको यूनिवर्सिटी जो है वो सपोर्ट करेगी और साथ ही साथ में यूनिवर्सिटी इनको स्टाइपेंड भी देगी। तो मैं ये समझती हूँ कि यूनिवर्सिटी और पाकिस्तानी हुसमंद हवातीन नेटवर्क जो है उन्होंने मिलकर ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन की जो फंडिंग है डायरेक्टेड प्रोग्राम के तहत उसको इंतहाई मुफीद बच्चों के लिए और प्रैक्टिकल जो है वो बनाया है और साथ में हमारे जो आईटी पार्टनर थे ट्रिम में उनकी इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने वेबसाइट डेवलप करने में बच्चों के साथ मिलकर बच्चों को बाकायदा उस पर ट्रेनिंग दी और वेबसाइट मौके पर डेवलप की है, उसके लिए हम ट्रिम के भी इंतहाई मशकूर हैं। विद एम्फेसाइज ऑन द डिजिटल मीडियम या टेक या आप आईटी का जो फैक्टर है उसको एम्बेड करना बिजनेस के अंदर और जो बिजनेस है वो सिर्फ लोकल लेवल पे ना रहे, वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी वो स्केल करे, तो दैट्स द पर्पस ऑफ द पीआईटीबी प्लेटफॉर्म हियर इन द जीबी।